हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरा रिजू क्या कर रहे हो? और मैं जा रही हूँ, इवनिंग का टाइम है, मैं चाय बनाने रख दी है और मेरे पूजा भी हो गया, तो मैं जा रही हूँ शकरकंदी का हलवा बनाने रिशु के लिए। अब रिशु को कैसा लगता है? रिशु तो खा के बताएगा कैसा लगेगा, है ना? मैं रिशु क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो? अच्छा बोलो, तो चलो चलते हैं फिर किचन में। मेरा बेटा और अच्छा मुझे आ रही है और मम्मा हलवा बनाएगी। अब देखते हैं रिशु को कैसा लगता है। तो रिशु के लिए हलवा बना रही हूँ, शकरकंदी का हलवा। खाओगे ना रिशु? ये रिशु हलवा खाओगे आप? क्लैपिंग कर दो रिशु, मुझे दो, ये मुझे दे दो, मम्मा को दे दो, क्लैपिंग करके दिखाओ। गुड, तो चलो चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अभी शकरकंदी बॉईल करने रखती हूँ। अभी ये मेरी चाय बन रही है और शकरकंदी भी बॉईल अभी कर लूंगी। तो रिशु क्या शरारत, मैंने चटाई इस वजह से ऊंची डाल रखी थी कि रिशु ये खोल ना पाए, लेकिन फिर भी मानता ही नहीं है। रिशु हटो, गंदी बात होती है बेटा बर्तन टच करने, और इसकी वजह से मैं इतना परेशान, मैं इसी वजह से मैंने ऊंचा ऊंचा डाल रखा, मैंने ये ढकी रहेंगी, ये नहीं करेगा। रिशु नो नो बेबी, बेटू नहीं, बंद करो, हटो, हैंड में लग जाएगी। देखो बच्चे के बहुत शैतानी होते हैं। हटो, जल्दी हटो, जल्दी हटो, मम्मा लगा देती है। नो नो बेबी, छोड़ो। तो फ्रेंड्स, मैंने शकरकंदी धुल ली है और ये मैं ले आई हूँ शकरकंदी जो मैं बॉईल करने रख रही हूँ। ये देखिए शकरकंदी है और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, ये बॉईल हो जाएगी। तो मेरा ये शकरकंदी बॉईल हो गई है। तो ये मैं देख रही हूँ कि कच्ची तो नहीं रह गई, लेकिन ये बॉईल हो चुकी है अच्छे से। तो मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। तो मैंने ये निकाल के अभी निकाल रही हूँ। तो निकालने के बाद मैंने छील भी ली है और अब मैं इसे थोड़ा मैसर से मैस कर लूँगी शकरकंदी, क्योंकि इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं मैसर से या शकरकंदी मैस करने लगी हूँ और यही चीज़ें सारी होती हैं। और सर्दियों में ही शकरकंदी मिलती है, हमने वैसे तो नहीं मिलती है, स्वीट पोटैटो बोलते हैं ना। तो वही अभी ये मैं कुछ काजू ड्राई फ्रूट्स कर रही हूँ, काजू और बादाम, लेकिन मैं ये थोड़ा सा दड़दड़ा सा बना लूँगी क्योंकि पूरा सही नहीं लगता है हलवे में तो एकदम से पूरा पूरा मोटा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ये थोड़ा सा मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ। तो ये देखिए हल्के से दड़ दड़े अभी थोड़े और रह गए, तो मैंने ये ना भी थोड़ा सा पीस लो, थोड़ा सा और कर लें। तो ये मेरे काजू हो गए, पिस गए, और इसे मैं निकाल लेती हूँ पाउडर। और ये बादाम मैं कर रही हूँ, ये इसमें अपने चॉइस के जोन से भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं वो आप डाल सकते हैं।
तो मैं इधर वो भी बादाम भी मेरे हो गए, तो बादाम भी मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ मैं थोड़ा सा घी, देसी घी डाल के, और ये शकरकंदी थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और थोड़ी सी हल्की सी भूनने के बाद, क्योंकि भूनने से भी ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हल्की सी भुन जाए शकरकंदी। और हलवा तो कोई भी चीज़ का बनाओ, थोड़ा सा तो वैसा करना ही पड़ता है, चाहे बिल्कुल ना उसमें हो कुछ भी, लेकिन फिर भी, क्योंकि हलवा तो हलवा है। और यहाँ मैं ये चीनी डाल रही हूँ, पिसी हुई चीनी, क्योंकि वैसे ही साबुत चीनी नहीं पिघल सकती है, तो मैंने कि चलो इसमें भी थोड़ा पिसी हुई चीनी पड़ती है, तो मैंने ये डाल देती हूँ इसमें। और ये मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसके वो बादाम और ड्राई फ्रूट्स में डालना आपको दिखा नहीं पाई, वो भी मैं डाल चुकी हूँ इसमें। तो हो जाता है कहीं कहीं, नहीं पता जाए एकदम से कट हो जाती है, वीडियो तो नहीं आ पाती है, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मैं डाल दिए हैं, और इन्हें मैं थोड़ा सा सर्व करती हूँ। तो मुझे आप बताना कि मेरा शकरकंदी का हलवा कैसा लगा कमेंट करके। और इन्हें मैंने सर्व कर लिया, और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह से मैं इसे ऊपर से सजा दूंगी। और मेरा शकरकंदी का हलवा बनकर तैयार है, ये देखिए, ये कोकोनट पाउडर मैंने डाल दिया इसके ऊपर। और थोड़ा सा ये बादाम का पाउडर डालूंगी इसके ऊपर, ये बादाम पाउडर है, क्योंकि ऊपर से भी थोड़ा सा वो कर दो तो वो अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने मेरा शकरकंदी का हलवा बनकर तैयार है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। और मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि फुल वॉच करने से सही रहता है, तो आप भी थोड़ा सा वो करें, मेरा सपोर्ट करें, तो मैं आगे तक थोड़ा सा वो जा पाऊँ। तो आपको मेरा शकरकंदी का हलवा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड। तो मेरा शकरकंदी का हलवा तैयार हो गया, और मैं सर्व करने वाली हूँ। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया शकरकंदी का हलवा, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आके शकरकंदी का हलवा। और मेरा हलवा कैसा बना कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।